हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टैक्सिमो टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, टैक्सिमो टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और टैक्सिमो टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि टैक्सिमो टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन कंडीशन में टैक्सिमो टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। टैक्सिमो टैबलेट सेफलोस्पोरिन ड्रग क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस होने पर, साइनोसाइटिस होने पर, फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांत या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, कान नाक गले साइनस या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर या त्वचा पर कोई घाव होने पर आपका डॉक्टर टैक्सिमो टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर टैक्सिमो टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर टैक्सिमो टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपका डॉक्टर आपको टैक्सिमो टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। टैक्सिमो एक ब्रांड नेम है। टैक्सिमो टैबलेट के अंदर साल्ट कंपोजिशन सिफेक्जिम होता है। टैक्सिमो टैबलेट 50 mg, 100 mg, 200 mg और 400 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करें कि टैक्सिमो टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। टैक्सिमो टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है, क्योंकि टैक्सिमो टैबलेट को खाली पेट लेने से कुछ लोगों में नोजिया, वोमिटिंग या पेट में बेचैनी की समस्या हो सकती है, इसलिए टैक्सिमो टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना रिकमेंडेड होता है। 12 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर टैक्सिम 200 एमजी टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह दे सकते हैं या टैक्सिम 400 एमजी टैबलेट को दिन में एक बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं। दवा की डोज उम्र व इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग हो सकती है, इसलिए आपको टैक्सिमो टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना टैक्सिमो टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको टैक्सिमो टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने टैक्सिमो टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि टैक्सिमो टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है, इसलिए टैक्सिमो टैबलेट के कोर्स को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि टैक्सिमो टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों में टैक्सिमो टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोगों में टैक्सिमो टैबलेट की वजह से नोजिया, वोमिटिंग, सिर दर्द, बदहजमी, पेट में दर्द, दस्त या त्वचा पर रैशेज हो सकते हैं। टैक्सिमो टैबलेट की वजह से अन्य साइड इफेक्ट भी पॉसिबल है। अगर आपको टैक्सिमो टैबलेट को लेने के बाद कोई भी ऐसा मान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। अगर आपको टैक्सिमो टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, चेहरे, मुंह, गले या होठों पर सूजन होती है, छाती में खिंचाव, त्वचा पर रैशेज या त्वचा पर खुजली होती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करें कि टैक्सिमो टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन कंडीशन में टैक्सिमो टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी या लीवर की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि किडनी या लीवर की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में टैक्सिमो टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। टैक्सिमो टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुकाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार एक एंटीबायोटिक दवा को लेने से या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और ऐसी सिचुएशन में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को टैक्सिमो टैबलेट, सिफेक्जिम टैबलेट या किसी अन्य सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक दवा या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए टैक्सिमो टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि क्या गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं टैक्सिमो टैबलेट का सेवन कर सकती हैं या नहीं। टैक्सिमो टैबलेट प्रेगनेंसी कैटेगरी बी की दवा है। प्रेगनेंसी के दौरान ए कैटेगरी की दवाइयां सबसे सेफ मानी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पड़ने पर टैक्सिमो टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को टैक्सिमो टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं को टैक्सिमो टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। और जो महिला स्तनपान करा रही हैं उनको डॉक्टर जरूरत पड़ने पर टैक्सिमो टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि टैक्सिमो टैबलेट माँ के दूध के जरिए नहीं निकलती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टैक्सिमो टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टैक्सिमो टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका टैक्सिमो टैबलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।